बना रही हूँ नाश्ता ऑमलेट के लिए। मैंने सारी चीज़ें काट दी हैं, अंडे भी डाल दिए हैं और चकोर पराठे बना रही हूँ। बस अभी तवे के नीचे आग लगालूँगी और इस फिरे पर जो चाय भी रख दूँगी। बाकी मेरा किचन वगैरह साफ है, तो मैंने गुड़ वाली चाय रख दी। आज हम गुड़ वाली चाय पियेंगे। और ये थोड़ी सी गुड़ मैंने ऐसी काट दिया, अगर फीकी हो तो ये गुड़ डाल देंगे बाद में, और बाकी की गुड़ फ्रिज में रखते हैं। नाश्ता बन चुका है, ऑमलेट ज़बरदस्त और गुड़ वाली चाय और मज़ेदार सी चकोर पराठे, और बाहर अजान भी रो रहा है, लगा हुआ है। मनी प्लांट की सफाइयाँ कर रही है, माशाल्लाह सारी सेटिंग इधर कर दी है। अभी तो कर रहा है इसको दूसरे गमले में, इसे दूसरे गमले में भी नुमान ने शिफ्ट करना है ना। और आप सब ने माशाल्लाह ज़रूर कहना है। ये अभी तो ये सारा नुमान ने फैला दिया है, जब इसकी फुल सेटिंग हो जाएगी ना फिर मैं आपको दिखाऊंगी। अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप सब ठीक होंगे। सुबह का टाइम है और आसान सो के दोबारा से मैंने हम लोगों ने नाश्ता भी कर लिया, और कुछ सेटिंग हम लोगों ने किया इधर की भी और अभी घर की भी की है, वो भी दिखाऊंगी। फ्रिज भी मैंने बंद कर दिया, फ्रिज की भी साफ सफाई शुरू है। जब भी इस तरह गर्मियों का एंड होता है तो अगर हस्बैंड लग जाते हैं कामों पर, सफाइयाँ करते हैं, ये एरिया भी साफ़ करते हैं, वो जो गैराज वाली एरिया है वो भी सारा हम खुद रोज से साफ़ करते हैं। घर का भी यही हाल होता है, तो अभी चलती हूँ घर अंदर से साफ़ करती हूँ। क्या हुआ? अच्छा, नमान ये स्कूट मांग रहा है, इसको नमान देखा। और असर ना बहुत ज़्यादा रो रहा था, शायद उसके पेट में ना दर्द था, और अफनान को बेचारे को आज बहुत बुखार है। मुझे और अजलान ने तो गुजार लिया, शुक्र है अब हम ठीक है, पर अफनान बेचारा ना ठीक नहीं है। ये बॉटल पड़ी है पानी की, मोहन के लिए पानी भी लिया है, ताकि गर्मी है फिर भी ना प्यास लगती है। अब हम चलते हैं अंदर काम करते हैं। देखो हमारी घर की न्यू सेटिंग, हम सर्दियों में ना इस तरह सेटिंग कर देते हैं, सारा घर इस तरह बंद हो जाता है, गर्म भी रहता है और अच्छा भी लगता है। ये चरपाई हम इधर ले आते हैं ताकि फिर बच्चे यहाँ पर लेट सके, या मैं या नुमान कोई भी। तो ये सारा मेरा वो बड़ा वाला जो ट्राईपॉड है, जो भी है रिंग लाइट वाला, वो उधर पड़ा है, रख दिया है। और बच्चों का यूनिफॉर्म भी प्रेस करके मैंने रखा हुआ है, ये भी यहाँ पर है। और अफनान जो है ना गेम खेल रहा है, अभियान ने मेरा मोबाइल लिया हुआ है, आज संडे है। और अजलान का ना ये वॉकर टूट गया, अफनान ने तोड़ दिया था, और ये ना फिर नहीं आया। मैं करने लगी हूँ फ्रिज की सफाई, फ्रिज मैंने ऑफ कर दिया था। और ये अंडे नुमान ने क्यों रखे इसमें, मैंने इसे कहा भी था कि मत रखना, फ्रिज की सफाई करूँगी, पर चलो खैर है कोई बात नहीं, अब सारी पारी पारी सारी चीज़ें मैं उस चारपाई पर रख दी जाऊँगी। फ्रीज़र ना, फ्रीज़र में बहुत ज़्यादा बर्फ़ जमी हुई थी, ठंडा पानी मैंने सारा उधर रख दिया क्योंकि फ्रिज बंद है, तो ताकि हमारे पास ठंडा पानी रहे। फ्रिज मैंने सारा खाली कर दिया, और अब इसको साफ़ करना है। कितना गंदा हो गया था ना, डीप क्लीनिंग इसकी एक मंथ से नहीं हुई थी, अब इसकी मैं सारी अच्छी तरह डीप क्लीनिंग करती हूँ। देखो ना नीचे वाला सारा हिस्सा ना मैंने साफ़ कर दिया, साफ़ सुथरा निकल आया, कितना चमक रहा है ना। बर्तन वॉश करने वाले साबुन के साथ बहुत अच्छी तरह ही साफ़ हो जाता है, और इसके जितने खाने थे ना मैंने सारे निकाल दिए, वॉश करने के लिए रख दिए। इसके खाने मैंने यहाँ पर रख दिए वॉश करने के लिए, अब इसको मैं वॉश कर दूँगी। अब थोड़े से नाश्ते के बर्तन हैं वो भी साथ में वॉश कर दूँगी। मैंने वॉश कर दिए सारी अच्छी तरह, वॉश हो गई हैं, साफ़ सुथरी हो गई हैं, और किचन का हाल कुछ यूँ हो गया, इसको भी अब सारा साफ़ करूँगी। जी हमारा फ्रीज़र भी सारा शुक्र है साफ़ हो गया, अब जितनी भी ये चारपाई की चीज़ें पड़ी हैं ये सारी फ्रिज में रख देंगे। देखिए हमारा सारा फ्रिज माशाल्लाह से साफ़ सुथरा हो गया, बिल्कुल क्लियर हो गया, जिसमें मैं सारी चीज़ें रखती हूँ। देखो हमारा सारा फ्रिज माशाल्लाह से क्लीन और नीट हो गया,
अभी दिखाती हूँ। फ्रीज़र भी सारा क्लीन हो गया, थोड़ा सा गोश्त था मटन का वो मैंने पकाने के लिए निकाल दिए और बस ये हमारा फ्रीज़र भी साफ हो गया। बस अब इसकी यहाँ की सफाई रह गई है, अब ये भी साफ करती हूँ। पेड़ से साफ कर दिए, अजाने हो रही है, ये कितना शाइन कर रहा है। आप सारी ये फ्लॉक धोती हूँ, देखो हमारी सारी जगह क्लियर हो गई है। यहाँ पर मैंने सारा तेजाब डाल दिया था, इसे मैंने सारा क्लियर कर दिया, पर ये बहुत वो है ना ज़्यादा है तो ये इतना क्लियर नहीं हो सक रहा था। बस जितना हो रहा था ना इस ब्रश से मैंने अच्छी तरह क्लियर कर दिया था। और मैंने मशीन लगाई हुई है, कपड़े धो रही हूँ। और हमारा मनी प्लांट देखो, दूसरा अनुमान ने वो बोतल से इसमें डाल दिया है गमले में, ताकि इस तरह ग्रो हो जाए। और ये माशाल्लाह अनुमान ने उधर लेकर चला गया एक लड़ी, और एक लड़ी जो भी होती है वो एक इधर चली गई है। ये सही तरीके से अब इस अनुमान ने उसको समझ लिया। क्या हुआ असलान? वहाँ पे लाइट थी ना वो ख़राब हो गई थी, उसमें करंट आ गया था, फिर नुमान ने वो क्लोज़ कर दिया। और अभी ना मेरे लिए यहाँ पर लाइट लगा दिया, क्योंकि नुमान को ना उस दिन कीड़े ने काटा था, तो नुमान ने कहा इस नौ तुम्हें भी काटते, तुम रात को यहाँ पे कपड़े धोती हो, अब मेरी आसानी हो गई है। बस ये लाइट यहाँ से ईजीली लगा लेती हूँ। और ये यहाँ से ये बोर्ड ख़राब था, ये भी चेंज कर दिया, दूसरा नया लगा दिया, और अब मैं आसानी से कपड़े धो रही हूँ। ये शुक्र है इसकी बड़ी सहूलत है। सियाँ ना ये भी ख़राब हो गई थी, तो ये भी नुमान ने सारे ठीक कर दिए, शुक्र है। मेरी मिल्कशेक इसमें मैंने सारी चीज़ें डाल दी, अब एप्पल भी डाला है और बनाना मिक्स, बनाना और एप्पल का मिक्स शेक है। और मेरे पास मेरा ढक्कन इसका तो घूम के, पर ये रख के ना मैं इसको ना इस तरह कवर कर देती हूँ। हमारा मिल्कशेक बन चुका है, अब इसको अब इसे ना मैं एक गिलास में डालती हूँ। फ्रिज को हम लोगों ने दोबारा से फ्रूट से भर दिया, ये एप्पल ले आए हैं, कुछ यूज़ कर लिए, और टमाटर भी ख़त्म थे, टमाटर भी ले आए हैं, और ये आड़ू इतने मज़ेदार हैं ना मुझे कि जैसे आर्टिफिशियल हो, बहुत मज़े के हैं। और ये मैंगोस कुछ ख़त्म, मैंने जूस बना दिया। और ये बनाना ये भी दो तीन बार यूज़ कर दिए, थोड़े से बस ये रह गए हैं। कान मेरे पीछे पीछे, अजान क्या कर रहे हो? सारे कपड़े धुल चुके हैं, इधर मैंने रख दिया, जब बच्चे सो जाएंगे ना ये तीनों, फिर इनको ना तय कर दूंगी। मैं चलती हूँ, वहाँ पे बना रही हूँ मटन करी जी, और चलते हैं किचन। और घर हमारा शुक्र है सारा नीट और क्लीन है, रात का टाइम है, और मैंने इतने दिन वीडियो नहीं डाली क्योंकि मेरी ये फिंगर नहीं लग रहा है, ये फ्रैक्चर हो गई है। खाना खाना ऐसे गई हूँ, पता नहीं क्या हुआ, मुझे समझ ही नहीं है कैसे फ्रैक्चर नहीं हुई है। पर शुक्र है कि थोड़ी है, पहले तो मैं समझ रही थी कि कुछ नहीं हुआ, पर डॉक्टर के पास जब गई हूँ ना तो उन्होंने कहा कि फ्रैक्चर हो गया। तो नुमान जब वहाँ पर मनी प्लांट का काम करा था, वैसे कीड़े ने काट दिया था, तो वो वीडियो ऑलरेडी फिर मेरी छूट गई थी। ये कुछ दिनों बाद मैं फिर दोबारा से वीडियो बना रही हूँ, मैंने कहा चलो ये क्लिप मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ मटर करी जी, जिसमें मैंने ये सिरका डाला और पानी डाला, ये देखे ना। अब इसमें ना वह सिरका में पानी डाला, जब करी जी में पानी और सिरका डालता ना, फिर इसमें सारा खून जो है ना वो हट जाता है, और इसका पानी मैं गिरा देती हूँ। मैंने करी जी सारी निकाल लिया, पानी रह गया, इसे गिरा दूँगी। और ये हमारी करी जी मैंने इसमें डाल दिया, ताकि इसका पानी सारा चला जाए जो गंदा पानी है। पर हमारा ऑयल गर्म हो गया है, और अब ये करी जी इसमें ऐड करते हैं, थोड़ा सा करी जी को फ्राई कर लेंगे। जब करी जी अच्छी तरह फ्राई हो जाएगी ना, फिर इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट और हरी मिर्च, ये चार अदरक हरी मिर्च, ठीक है ना,
देखिए ये 4 अदद मिर्चे हैं, ये इसमें मैं ऐड कर दूंगी। और मसाला में सिर्फ और सिर्फ नमक जाएगा, बाकी कुछ भी नहीं जाएगा। अब मैं तवे की कोशिश कर फ्राई करती हूँ, जब फ्राई हो जाएगी तब मैं पेस्ट और मिर्ची डाल दूँगी। यहाँ पर मेरे पीछे पीछे किचन में आ गया, इसको ना ये चम्मच प्लेटें वगैरह पसंद है। असलान इधर देखो क्या हुआ, माशाल्लाह सब ने माशाल्लाह बोल लिया, असलान को देख कर कितना वीक हो गया। हमारी कलीजी जो है ना फ्राई हो गई है अच्छी तरह, और अब इसमें हम ये ऐड करते हैं। अब इसको हम इस पेस्ट में और मिर्च में अच्छी तरह फ्राई करेंगे, जब फ्राई हो जाएगा तो इसको कवर कर देंगे। ये सारी चीज़ें मिक्स हो गई हैं, अब इसको हम कवर कर देते हैं ताकि ये अच्छी तरह गल जाए हमारी कलीजी। हमारी कलीजी अच्छी तरह फ्राई हो गई है, अब इसमें एंड में नमक ऐड करेंगे, फिर ये कलीजी बिल्कुल सख्त नहीं होगी। ये 1/2 चम्मच इसमें मैंने नमक ऐड कर दिया, अब इसको अच्छी तरह मिक्स करके पकाते हैं ताकि नमक इसमें अच्छी तरह हल हो जाए। ये यहाँ पर मैंने अपने लिए ट्रे तैयार कर लिया, नुमान बाद में खाएगा, और ये रोटी अब करती हूँ कमरे में, साथ ही मोबाइल भी ले लेती हूँ। और अजरान ने फिर और बचाया हुआ, और अजरान ना बड़ा खा रहा है, वो इतना तंग कर रहा है आज का मुझे बहुत ज़्यादा। अब मैं पहले ये खाना लेके जाऊँगी, फिर अजरान को ना लेके ले आऊँगी अंदर, और हम खाएँगे बेड पर, क्योंकि अजरान बहुत तंग करते हैं। अब मैं अजरान को लेकर आती हूँ। अजरान हूँ क्यों खाना, अभियान मोबाइल मेरा ले आओ जानी, मैं चखती हूँ कैसे बना है, कैसे बना है। इतनी सी लेती हूँ, बहुत मज़े का। और यहाँ पे असलान ने इतनी गड़बड़ मचाई है ना, खाना बहुत मज़े का है, और हम खाना एंजॉय करते हैं इस तरह, अकेले अकेले बच्चों ने भी खा लिया, मैं खा रही हूँ, नुमान जब भी आएगा तो खा लेगा। यहाँ पर मैं बना रही हूँ ग्रीन टी नुमान के लिए और अपने लिए, चीनी और इलायची मैंने डाल दी है, ये देखिए चीनी और इलायची मैंने इसमें डाल दी है। तो फिर इसमें मैं पत्ते डाल दूँगी, अफनान तो बेचारा सो गया है, अफनान को सुलाया था दोबारा से उठ गया, नुमान भी आ गया था, अभी नुमान को खाना दिया, खाना खा रही है नुमान ने। और मैंने सोचा अपना ब्लॉग का अभियान भी सोचा था, अजमान भी तो जो कपड़े हैं ना सोफे पे पड़े वो भी मैं तय कर दूंगी, सारे संभाल लूंगी, क्योंकि फिर सुबह ये है ना ये बच्चे जब भेज देती हूँ फिर थोड़ा सा मैं सो जाती हूँ, फिर ये होता है कि मेरे सारे काम भी होते हैं, थोड़े बहुत काम जो होते हैं ना मैं इस तरह 10 या 9 बजे 9:30 तक फिर उठ जाती हूँ ना, जैसे अभी हम लोग चले जाते हैं ना 1-1.5 घंटा मैं सो जाती हूँ, फिर जैसे उठती हूँ ना 9:30 तक, तो फिर पहले नाश्ता बनाती हूँ, नुमान को भी उठा देती हूँ, क्योंकि नुमान ने आजकल बहुत ज़्यादा नान का काम है, नुमान काम करते हैं अपना, और मैं जो मेरा भी आजकल बहुत काम चल रहा था, मुझे कुछ प्रमोशन आई थी, एक प्रमोशन अभी फर्स्ट प्रमोशन मेरी आई है तो उस पर हम काम करें, तो इस वजह से भी बहुत ज़्यादा बिजी थी, क्योंकि अभी मुझसे लोग कॉन्टैक्ट कर रहे हैं कि हमारी प्रमोशन कर रही है वो, तो ये सारा हैंडल कर रही हूँ, और अच्छा भी लगता है कि मतलब सोचा ऐसा तो नहीं था, पर अल्लाह ताला जब दरवाजे खोलता है तो ऐसे खोलता है, बिल्कुल यकीन ही नहीं आता। लोग मुझे यूट्यूब पर काम करने में दे रहे थे, और अल्लाह ताला ने ना रिस्क का ज़रिया मुझे कहीं और से ही दे दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। बस यूट्यूब मेरा शौक था और मैं ऐसे ही जारी रखूँगी, अगर ये मेरा वायरल जाता है तो ठीक है, अगर नहीं जाता फिर मैं इस पर काम करूँगी। तो अब हमारी जो चाय पत्ता जो हमारा पानी है ना वो उबल चुका है ग्रीन टी का, अब इसमें ना मैं पत्ते डालूँगी, ये बहुत ज़बरदस्त है, पता है इसमें मैंने ना पुदीना अच्छी तरह वॉश कर दिया था और सुखा दिया था, और इसमें मैंने मिक्स कर दिया था, उसका इतना ज़बरदस्त जायका ना जैसे मिंट नहीं है उस तरह, और किसी को लगता भी नहीं है कि ये घर का जो कहवा होता है ना वो है, बहुत ज़बरदस्त है, थोड़ा सा मजा आ गई। और लेमन ग्रास भी है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने मंगवाया था नुमान से,
रोजों में। अच्छा ये पड़ा हुआ था, मुझे याद नहीं था, ये दो पैकेट में मान लाया था। तो अब देखते हैं ये चाय में डालते हैं, इसका कैसे जाएगा। आपसे बात करते करते मुझे याद आ गई, इसमें मैंने ना लेमन ग्रास भी डाल दिया है, मैं समझी कुछ है। तो कहवा हमारा उबल चुका था, मैंने फ्लेम बंद कर दिया। अब इसको कप में डालते हैं और देखते हैं कि कैसा बना है हमारा आज का कहवा। वैसे कहवा तो मैं हमेशा ही अच्छा बनाती हूँ, और आज लेमन ग्रास मैंने डाला है, देखती हूँ कैसे बना। और अजलान की ना फिंगर आ गई थी। इसकी पत्ती वैसी भी नहीं जाती। ये हमारी गर्मा गर्म कहवा बन गया है। अब इसी के साथ आज का ब्लॉग एंड करती हूँ। तो अपना कहवा इंजॉय करते हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगी। अब डेली का ब्लॉग मेरा आएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मुझे ढेर सारी दुआओं में याद रखें कि मेरी हिम्मत हो डेली ब्लॉग बनाने का। अब मैं नुमान को चाय देती हूँ, कभी भी ग्रीन टी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।